नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर जनपद हरिद्वार के पीरपुरा गांव की है, जहां पर एक विवादित भूमि पर संत रविदास मंदिर कार्य चल रहा था, जिसे गांव के ही कुछ लोगों ने राजनीतिक करते हुए रुकवा दिया है, जिसका शासन प्रशासन को भी पता है, जिससे गांव के कुछ लोगों में आस्था को ठेस पहुंची है। वो लोग चाहते हैं कि इस मंदिर का कार्य हो और शासन प्रशासन उनका सहयोग करे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। बंगलौर के ग्राम पीरपुरा गांव में जहां कुछ असामाजिक तत्वों ने रविदास मंदिर का निर्माण 2 साल से बंद करवा रखा है, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यहां पे बहुत से अच्छे जो इस समिति के सदस्य हैं उनसे जानकारी लेते हैं क्या कारण है, क्या वजह है। हाँ जी, जो जमीन है उसके नाम थी कालू राम के, और जो वैसे आदमी हैं वे निर्माण निकलने दे रहे मंदिर का यहाँ की, उसी लोग उसके साथ गुंडे लगे हैं और जो बंद नहीं दे रहे गुरु रविदास का मंदिर। आप ये बताइए, ये जमीन आपकी पुश्तैनी जमीन है या फिर जो अतत्व समाज लोग हैं उन्होंने ये मंदिर कार्य रुकवाया है उनकी जमीन है? क्या वजह है, क्या कारण है, किस तरह की जमीन है जो उन्होंने यह मंदिर बनाने का कार्य रुकवा दिया है? ये हमारी जमीन थी, 75 में किलोनी कटी थी, ये प्लॉट हमारा था, हमने इस मंदिर के लिए दे दी थी। उसके बाद फिर इसमें कुछ लोगों ने खड़ा तो हमारे सामने जो किसान है यही खड़ा कर दिया कि मंदिर ना बने यहाँ पर। नहीं, ऐसी क्या वजह है, वजह बताइए जो उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए रोक लगा दी है, क्या वजह, ऐसी कुछ खास बात बताइए। ये बताइए जैसे कि उनका कुछ यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ जमीन का आसपास जमीन है उनकी, क्या कारण है? उनकी कोई जमीन नहीं थी, मैं जटखेड़े के रहने वाले गांव के बाशिंदे नहीं हैं। मैं अपने बाप की संपत्ति बता रहे हैं, पट्टे जो खिलौने में मिले, अरे हमारा पट्टा खींचना चाह रहे हैं, इसमें मंदिर का निर्माण ना होने देंगे। तो कितने दिन से यहाँ पे मंदिर का निर्माण रुका हुआ है? 2 साल के करीब हो गया जी। तो क्या उन्होंने आपके पास केस कर रखा है? क्या बात है कि आपकी सहायता किसी ने अधिकारी ने नहीं की, आपने कोई कार्रवाई नहीं की? हम न्यायालय में गए थे कि वहाँ पर जो होता हमें इंसाफ नहीं मिला, इससे हमने फिर सुनील तोमर के यहाँ से अपर जिला ईमानदार आदमी उसके यहाँ हमने अपना मुकदमा लिया। इनका कहना है सुनील तोमर जी के यहाँ इन्होंने केस कर रखा है, वकील चाह रहे, तो हम जानकारी लेना चाहेंगे वकील साहब का क्या कहना, क्या उनकी राय है? वकील साहब ने तो कहा कि जेल जाएगा और ये झूठा मुकदमा लड़ रहा है। तोमर जहाँ से ईमानदार जज है, यहाँ से सुनील तोमर है अपर जिला जो मैं ईमानदार जज है, जो भी कहते हैं मैं सही कहते हैं, अपना फैसला साफ देखते हैं। तो आपको क्या लगता है, मेरा मतलब कहने का, आपको क्या ऐसा महसूस होता है, क्या लगता है जिससे कि जो आपके एक ही आदमी या कोई और भी उनके साथ मिला हो जिससे वो इस कार्य को रोक रहा है? इसके साथ बहुत ही आदमी हैं गांव के, कुछ दूसरी भी आदमी के हैं, उन्हें बनने नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें कठिनाई पहुँच रही है। यहाँ मस्जिद तो क्या है, एक मंदिर नहीं बनने दे रहे, इसका बीच में हम हमारी बिरादरी वाले को अड़ा का खड़ा कर दिया गया है, जबकि इसका कोई यहाँ चारा नहीं है। जानकारी लेते यहाँ पे और भी बहुत से खड़े हैं, कौन कहा
या कल के भी हाज लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, रोक नहीं है, ये सब उनका भी मिला है, आप सब भी मिला है, तो क्या यहाँ क्या रहा है इसका भी पहाड़ पहाड़ ये मेरे का तो नहीं पड़े होते हैं, तो आप तो पहले आप तो आइए जानकारी लेते हैं यहाँ के सर। आप ये बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, ये मंदिर कार्य में बाधा क्यों हो रही है? सर इनकी अपनी जगह है फिर भी इस कार्य में बाधा हो रही है, वही इनका इन्होंने अपनी कब्जा लेना चाह रहे हैं। घर की कागज गुंजन हो रहा मंदिर का मेरे वाले को बना वीडियो। सभी का कहना है इनकी अपनी जमीन है फिर उसके बाद भी इनका जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं। ये आइए महिला से बात करते हैं। आप ये बताइए जगह आपकी अपनी है? हाँ जी हमारी है। ऐसा क्यों हो रहा है जो इसमें ऐसे बाधा डाल रहे हैं? और हम मंदिर बनाना चाह रहे थे, कोई मुस्लिम इन्होंने गुंडे अपनी साथ में लगा रखे हैं, बनने नहीं दे रहे हैं, की जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं हमारे जमीन पर। कितने दिन से कब्जा है इस जमीन पे? ये मतलब आप कभी कहना सत्तर साल हो गए जी सर, ये जमीन हमारे पास 70% और ये जबरदस्ती कब गए यहाँ के रिश्तेदार है, यहाँ का रिश्तेदार ये यहाँ का रिश्तेदार है और जिस पर जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं जिसको बकायदा अस्पताल अपने पहले है ही दो प्लॉट कोई घर परिवार नहीं आने का यहाँ नहीं है। अरे हमारा तो बहुत ठंडा परिवार है, हमारे परिवार की जमीन है, हमारे सास तो औरों की जमीन है, दादा बाबा की, दादा इलाही जमीन है, कहीं में ये है इनके अपने परिवार की जमीन है। उसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों ने कुछ इस मंदिर निर्माण कार्य में बाधा डाल रखी है, ये आज तक के इतनी गलत काम कर रहे हैं कि अपने भी जमीन पे अपना भी अधिकार नहीं कर सकते। ये दलित समाज के लोग रविदास मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है लेकिन फिर भी ऐसे तत्व पैदा हुए हैं जो असामाजिक कार्य में जुटे हैं, वो इस काम कार्य करने के लिए तैयार नहीं है।